लिखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें। तो चलते हैं अपने विषय की ओर। तो आए हम लोग देर न करते हुए अपने विषय पर चलते हैं। जातक रोगी होगा क्या? यानी बहुत से आपके पास आते होंगे जातक, जो पूछते हैं कि जातक कैसा रहेगा, इसे जीवन में रोग होगा या नहीं होगा। इसके बारे में जब आपसे पूछते हैं प्रश्न, तो आप उसको सरलता से जवाब दे सकते हैं। इसे इस वीडियो को आप देखेंगे और मन लगाकर सुनेंगे तो निश्चित ही आपका लाभ की प्राप्ति होगी और इसे समझ पाएंगे आप। तो देखिए, यदि तृतीयेश यानी तृतीय भाव के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, तृतीयेश जो हैं, वह 6, 8, 12 भाव में हों, या जैसे मान लीजिए 3 है, यहाँ 3 लिखा गया है, तो 3 और 6 के मालिक स्वामी जो होते हैं वह बुध होते हैं। तो बुध जो हैं 6, 8 और 12वें भाव में यदि हो तथा निर्बल हो, तो जातक को श्वास रोग, कंठ रोग आदि होने की संभावना रहती है। कान का भी रोग होता है। तृतीय भाव पर पापी ग्रह की स्थिति में भी हो, यदि तृतीय घर भाव पर पापी ग्रह की स्थिति है, तो यदि पाप ग्रह इसे देश दे इसके साथ हो और इसके पाप ग्रह से दृष्ट हो, इन सब बातों को यदि से पीड़ित यदि हैं तृतीय भाव, तो जातक को श्वास, कफ और कान रोग होने की संभावना बनी रहती है। तृतीय भाव में कोई ग्रह निचस्त हो, नीच हो, शत्रु राशिगत हो तथा पाप दृष्ट माने पाप ग्रह से देखे जा रहे हो तथा अस्तगत हो, अस्त हो गए हो, तो विष के द्वारा क्लेश होता है, यानी जहर के द्वारा क्लेश होता है। तृतीय भाव में शुभ ग्रह हो, तृतीय भाव में शुभ ग्रह हो और जातक, तो ऐसी स्थिति में जातक शुभ कथा यानी भगवान की कथा, भगवत कथा, भगवान के प्रति रुचि में लगे रहता है और उसको श्रवण करता है, सुनने की कोशिश करता है। यदि पाप ग्रह हो तो पाप कथा सुनने में लगा रहता है, उसकी रुचि ज़्यादा रहती है। किंतु यह तभी होता है जब लग्नेश धर्मेश, लग्नेश यानी लग्न के मालिक जो स्वामी हैं, लग्नेश और धर्मेश जो होते हैं, वह अशुभ ग्रह होकर अशुभ स्थिति में चले जाते हैं, नहीं तो उक्त फल कमजोर पड़ जाते हैं, अर्थात पाप कथन में अधिक रुचि बना रहता है। इस प्रकार हमको समझना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।